जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग लूसेंट जी के मिसलेनियस में एब्रिवेशंस ही पढ़ेंगे रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। देखिए, लास्ट क्लास में भी हमने कंप्यूटर्स से रिलेटेड कुछ एब्रिवेशंस देखे थे, ठीक है। आज कुछ और रिमेनिंग एब्रिवेशंस हम देखेंगे जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतलब उसी पार्ट को जो एब्रिवेशंस एसोसिएटेड टू कंप्यूटर्स था, उसी को हम इस लेक्चर में भी क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि वो सारे एब्रिवेशंस आपको क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, एब्रिवेशंस एसोसिएटेड टू कंप्यूटर्स। देखिए, अगला जो है वो है भीम ऐप। आपने सुना होगा इसके बारे में, भीम ऐप के बारे में। इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो आपको याद रखना है भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या है, भारत इंटरफेस ऑफ मनी। अगला बात करें, अगला है एनपीसीआई, ठीक। इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। तो आपको याद रखना है एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला बात करें, ये है एनईएफटी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक। ये एनईएफटी आपको, जब आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उसमें आपको एनईएफटी ऑप्शंस भी मिलता है, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला है आरटीजीएस, ये भी इंटरनेट बैंकिंग में होता है आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो आपको याद रखना है आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला बात करें, अगला है आईएमपीएस, ठीक। ये है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो आपको याद रखना है आईएमपीएस का मतलब क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला बात करें, अगला है MICR, ठीक। इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो आपको याद रखना है MICR का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक। अगला बात करें, अगला है स्विफ्ट, ठीक। इसका है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक। तो आपको याद रखना है स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक। ये फुल फॉर्म किसका है, स्विफ्ट का। क्लियर हुआ, ठीक। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट है यूआरएल, ठीक है। यूआरएल आपने सुना होगा, इंटरनेट जब आप एक्सप्लोरर खोलते हैं तो आपको यूआरएल मिलता है जहां पर आप एड्रेस डालते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक। तो आपको याद रखना है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर। अगला है SEO, ठीक। इसका फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको याद रखना है SEO का फुल फॉर्म क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगला है ISP, ठीक। इसका फुल फॉर्म होता है द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक। तो आपको याद रखना है ISP का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके बाद बात करें, अगला है BC, ठीक। ये जब आप किसी को मेल करते हैं, ठीक, तो आपने देखा होगा कि उसमें BC का ऑप्शन आता है और BCC का ऑप्शन आता है। तो BC जो होता है वो होता है ब्लाइंड कॉपी, और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। जब एक व्यक्ति से ज्यादा व्यक्तियों को एक ही मेल भेजना होता है तो आप देखते होंगे कि आप एक मेन उसमें मेल का एड्रेस डालते हैं, उसके बाद उसका BC और CC कर देते हैं। तो BC क्या होता है, ब्लाइंड कॉपी, और BCC क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके बाद आपने लैन नाम सुना होगा, LAN। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद बात करें, अगला है WAN, WAN। इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपको याद रखना है WAN का फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करें WWW, ठीक है। इसका भी आपने नाम सुना होगा बहुत, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपको याद रखना है WWW का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद बात करें, अगला है TCP, ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक। तो आपको याद रखना है TCP का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है XML, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। तो आपको याद रखना है XML का फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगला बात करें AI, ठीक है। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको याद रखना है AI का फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद अगला बात करें एल्गोल, ALGOL, एल्गोल।
इसका फुल फॉर्म है अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। तो आपको याद रखना है एल्गोल का फुल फॉर्म क्या है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इसके बाद बात करें एआरपी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक, तो आपको याद रखना है एआरपी का फुल फॉर्म क्या है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक, अगला बात करें तो ये है ARPANET, ठीक, ARPANET, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक, तो आपको याद रखना है ARPANET का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगला बात करें, अगला है बेसिक, ठीक, इसका फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक, तो आपको याद रखना है बेसिक का फुल फॉर्म क्या है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अगला बात करें, अगला है BCD, ठीक, इसका फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक, तो आपको याद रखना है BCD का फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगला बात करें तो BCR, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है बार कोड रीडर। ठीक, तो आपको याद रखना है BCR का फुल फॉर्म क्या है, बार कोड रीडर। इसके बाद अगला बात करें तो अगला है BIOS, इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आपको याद रखना है BIOS का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला बात करें ये है BRD, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ब्लू रे डिस्क। ठीक, तो आपको याद रखना है BRD का फुल फॉर्म क्या है, ब्लू रे डिस्क। इसके बाद अगला बात करें ये है B2B, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक, तो आपको याद रखना है B2B का फुल फॉर्म क्या है, बिजनेस टू बिजनेस। अगला बात करें B2C, ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। तो आपको याद रखना है B2C का फुल फॉर्म क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें CPU, CPU का फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपको याद रखना है CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद अगला बात करें CAD, ठीक, इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो आपको याद रखना है CAD का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला बात करें, अगला है CD-ROM, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक, तो आपको याद रखना है CD-ROM का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला बात करें, अगला है CDRW, इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक, तो CDRW का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अगला बात करें, अगला है कोबोल, ठीक, इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो आपको याद रखना है कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके बाद अगला बात करें, अगला है CRT, ठीक, इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। तो आपको याद रखना है CRT का फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब। इसके बाद बात करें, अगला है CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक, तो आपको याद रखना है CUI का फुल फॉर्म क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है FTP, इसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपको याद रखना है FTP का फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला बात करें ये है FIFO, इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपको याद रखना है FIFO का मतलब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगला बात करें, अगला है Fortran, ठीक, इसका मतलब है, इसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक, तो Fortran का मतलब क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसके बाद अगला बात करें GB, इसको क्या बोलते हैं फुल फॉर्म में, गीगाबाइट। तो आपको याद रखना है GB को फुल फॉर्म में क्या बोला जाता है, गीगाबाइट। अगला बात करें, अगला है GIGO, ठीक, इसका फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो आपको याद रखना है GIGO का फुल फॉर्म क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगला बात करें, अगला है HTTP, ठीक, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, तो आपको याद रखना है HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, अगला बात करें, अगला है HTML, ठीक, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, तो HTML का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला बात करें, अगला है IC,
ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आपको याद रखना है आईसी जो होती है उसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद आईपी बात करें तो आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, तो आपको याद रखना है आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला बात करें, अगला है आईएसडीएन। ठीक, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक, तो आपको याद रखना है आईएसडीएन का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला बात करें, अगला है आईबीएम। ठीक, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक, देखिए आईबीएम एक कंपनी है, ठीक है, आईबीएम। ठीक, तो आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला बात करें, अगला है आईसीटी, इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, तो आपको याद रखना है आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला बात करें, अगला है मॉडेम। ठीक, इसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक, तो आपको याद रखना है मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और अगला बात करें, ये है एमबीपीएस। ठीक, इसका फुल फॉर्म है मेगा बाइट्स पर सेकेंड। ठीक, तो एमबीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, मेगा बाइट्स पर सेकेंड। तो यहां पर आकर के कंप्यूटर से एसोसिएटेड सारे एब्रिवेशंस कंप्लीट होते हैं। ये दो वीडियोस जो मैंने पार्ट वन और पार्ट टू में बनाए हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है, और रेगुलर एग्जाम्स में एब्रिवेशंस पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक, तो आई होप कि आपको हमारा लूसेंट जी के मिसलेनियस समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। देखिए लूसेंट जी के मिसलेनियस में हम सारे फैक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो फैक्ट्स अगर आपको एग्जाम टाइम पर रिवीजन करना है तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगा। तो इसमें क्या है कि आप रिवीजन जो हैं वो जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। आई होप कि आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे। जय हिंद, नमस्कार।